हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईफोन फ्लिप की अनबॉक्सिंग। तो गाइस, ये बिल्कुल नवा है मार्केट में और ये एस नेक्सन कंपनी ने बनाया। तो गाइस, वैसे तो इस पर लिखा है कि मेड इन इंडिया है, पर गाइस जो मेड इन इंडिया चीज़ें वो भी चाइना से ही बन के आती है। तो वैसे तो चाइना का ही फ़ोन है। तो यहाँ इसका मॉडल है जेड रॉक और यहाँ आपको एस नेक्सन की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ आपको फ़ोन के पूरे फीचर्स देखने मिलते हैं और यहाँ भी लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। तो अब मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ फ़ोन की। तो गाइस, ये काफ़ी कम प्राइस में मिला है। मेरे को अनएक्सपेक्टेड था कि इतने कम प्राइस में मिलेगा। आपने प्राइस तो देख ही लिया, सिर्फ 1800 रुपीज़ में मिला है। तो यहाँ आप जैसी बॉक्स को ओपन करते हो तो यहाँ आपको सबसे पहले आईफोन देखने मिलता है। मैं आईफोन को भी साइड में रख देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ बॉक्स के अंदर यहाँ क्या क्या है। तो यहाँ बॉक्स को ओपन करोगे तो आईफोन फ्लिप का है आपको मिलेगा कवर। तो मैं आपको कवर बता देता हूँ एक बार। इसका प्लास्टिक का कवर आपको मिलता है। तो कवर्स मिलना काफ़ी मुश्किल होते हैं फ्लिप के, तो इन्होंने बॉक्स में ही आपको एक कवर भी दे दिया है। और एक्स नेक्सन कंपनी ने बनाया है इसको, आप देख सकते हैं ब्रांडिंग भी है। फिर यहाँ आपको ये रस्सी भी मिलती है जिससे आप फोन लटका सकते हो। और यहाँ मिलता है इसका चार्जर, तो मैं आपको चार्जर भी बता देता हूँ इसका। तो ये सी कैटेगरी का चार्जर है, आप देख सकते हो सी टाइप का चार्जर देखने मिलता है आपको आईफोन फ्लिप में। और यहाँ भी एस नेक्सन कंपनी की ब्रांडिंग की वो फोन के साथ ही मिलता है, तो वो कंपनी वालों ने चार्जर भी बनाया इसका। गाइस, अब बात करते हैं फोन की। तो गाइस, आपको फोन कुछ ऐसा देखने मिलता है। इसकी शाइन भी काफी अच्छी है और यहाँ आपको व्हाट्सएप, ट्विटर और म्यूजिक का लोगो देखने मिलता है। फिर यहाँ कैमरे की बात करूँ तो इसमें टोटल 3 कैमरे दिए, पर वर्किंग वाला सिर्फ यही है एक कैमरा और बाकी ये सब शो के लिए है। और यहाँ टॉर्च भी शो के लिए है। एक्चुअल में इसकी जो टॉर्च है वो यहाँ है, आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ आपको मिलते हैं एक टॉर्च, 2 स्पीकर्स, फिर यहाँ से आप फोन को चार्ज कर सकते हो। और यहाँ आपको मिलता है म्यूजिक सुनने की केबल और यहाँ से ये बटन से आप टॉर्च को ऑन या ऑफ कर सकते हो फोन में। यहाँ आपको फोल्डिंग कुछ ऐसे देखने मिलती है फोन की। और गाइस, ये फोन डुअल सिम आता है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये फोन में यहाँ आपको देखने मिलता है एक एसडी कार्ड का पोर्ट और 2 सिम। तो आप इसमें 2 सिम भी लगा सकते हो और एक एसडी कार्ड। अब मैं आपको फोन ओपन करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, अब मैं आपको फोन को अनफोल्ड करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है कि आपको एक की वाला फोन मिलता है अंदर। मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ तो आपको यहाँ इसकी एक LCD स्क्रीन देखने मिलती है। बाहर से ये फोन बिल्कुल आईफोन जैसा लुक देता है और अगर आप फोन को जैसे ही फोल्ड ऑफ या ऑन करोगे तो यहाँ 3 लाइट्स भी आती है। तो गाइस, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, पर अगर आपको शो ऑफ के लिए लेना है तो काफ़ी अच्छा है। इसमें मेन्यू है, आप इसमें आपको कैमरा भी देखने मिलता है। मैं आपको कैमरा दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं कैमरा ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो कि इसका कैमरा भी काफ़ी लो क्वालिटी का है। इसमें आप कोई भी फोटो क्लिक नहीं कर सकते और आजकल सब टच स्क्रीन यूज़ करते हैं तो ये फ़ोन कोई यूज़ नहीं करेगा, पर शो के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको रेडियो FM का ऑप्शन देखने मिल जाता है। यहाँ आपको मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन है और इसमें गेम भी मिलती है आपको F1 रेसिंग की, तो आप वो भी प्ले कर सकते हो। तो इसमें आप एक रेसिंग की गेम प्ले कर सकते हो और इसमें आपको माई फाइल्स का ऑप्शन भी देखने मिल जाता है। यहाँ रेडियो FM का ऑप्शन है जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। पुराने फ़ोन्स में एक बात खास थी कि इनकी बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी होती थी, तो बैटरी लाइफ के हिसाब से फ़ोन काफ़ी अच्छा है। और इसका फोल्ड आपको अंदर से देखने मिलता है, बाहर से कुछ भी देखने नहीं मिलता। बाहर से बिल्कुल प्लेन आईफोन जैसे देखने मिलता है। तो अगर आप इसको बताओगे भी फ़ोन तो कोई समझ नहीं पाएगा जब तक फ़ोन आगे से नहीं देखेगा। पर आगे से इसका लुक मेरे को ज़रा भी पसंद नहीं आया, पर गाइज लुक बिल्कुल आईफोन का है और फ़ोन की बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है और स्पीकर्स भी काफ़ी लाउड है इसके। तो अगर आपको कोई बटन वाला फ़ोन लेना है और अगर आप
और आपका बजट लो है तो ये बिल्कुल बेस्ट फ़ोन है, क्योंकि आईफोन के लुक के जैसा है और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये फ़ोन। और गाइस ये फ़ोन में आपको व्हाट्सअप सब कुछ मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको सर्विस पे जाना है तो यहाँ आपको नेट सर्विस पे देखने मिलेगा ओपेरा का मिनी ब्राउज़र, ट्विटर, फेसबुक आपको देखने मिल जाता है इधर, याहू और व्हाट्सअप भी देखने मिलता है। तो आप इसमें से कोई भी ऐप पे क्लिक करोगे तो आप ओपन कर सकते हो। मैंने इसमें सिम नहीं डाली थी तो आप सिम डाल के यहाँ ओपन कर सकते हो, क्योंकि फ़ोन डुअल सिम है। और नेट आप यूज़ कर सकते हो पर काफ़ी कम स्पीड में, और आपको SD कार्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन में इंटरनल स्पेस नहीं है, तो आपको SD कार्ड लगाना ज़रूरी है फ़ोन में। तो गाइस ये थे पूरे फीचर आईफोन फ्लिप के। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।